मारती 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 बाहर जान पिछे मासी ते मासी दा मुंडा दोवां दी जान लै ली इस बंदे ने। जिथे रहिंदा सी पिछले 7-8 महीने तो उत्थे गया, उत्थे ने अपना कपड़े चेंज कीते, कपड़े धो के सुकन टंगे, उस तों बाद गुरुद्वारे भी गया। पटियाला छोई सनसनीखेज वारदात नूं अंजाम देण तों बाद ए गुरु घर चला गया मत्था टेकण, पर पुलिस ने इस नूं गिरफ्तार कर लिया। की है पूरा मामला वो तुहानूं दिखाने आ। तैनिक मेल पंजाबी टीवी दे लई पटियाला तों अमन थगड़ दी रिपोर्ट। पुलिस बड़ी सरगर्मी नाल जदों भी कोई संगीन अपराध हुंदा आ असी बड़ी सरगर्मी नाल उस अपराधियां दे मगर पै के साडी कोशिश हुंदी आ कि रिकॉर्ड टाइम च छेती तों छेती इस अपराध नूं जिहड़ा आ उह ट्रेस कीता जावे। मुकदमा नंबर 240 जिहड़ा इक ब्लाइंड डबल मर्डर सीगा, दोहरा कतलकांड, मुकदमा नंबर 240 त्रिपड़ी थाने च दर्ज होया सी। 26 जुलाई नूं शहीद ऊधम सिंह नगर जिहड़ा त्रिपड़ी एरिए च एक कलोनी हैगी है उहदे एक मकान च बाथरूम दे अंदर एक माँ ते बेटा जसवीर कौर उम्र तकरीबन 50 साल ते हरविंदर सिंह उर्फ जग्गी उम्र तकरीबन 26-27 साल माँ ते बेटे दोनों दी डेड बॉडीज खून नाल लथपथ डेड बॉडीज एंड बड़ा दरिंदगी नाल बड़े वैशी तरीके नाल चाकू दे लगातार धौण च पिठ च चेहरे ते चाकू दे मल्टीपल वार करके इस दोहरे कतलकांड नूं अंजाम दिता गया सी। उहदे च विदिन 48 आवर्स पटियाला पुलिस ने इस डबल ब्राइंड मर्डर नूं ट्रेस करदे होया दोषी हरजीत सिंह उर्फ काका जिहड़ा कि बूंदी जिला राजस्थान का रहने वाला है पर पिछले 7-8 महीनों तो पटियाले च सीगा, जिहड़े कातिल दे कोई रिश्तेदार सी वो मरन वालियां दे नेड़े ही रहिंदे सी उसे कलोनी च। कातिल पिछले 7-8 महीनों तो पटियाले च सीगा, ये बेरोजगार सीगा, MSc दी इन्हें पढ़ाई BSc दी पढ़ाई की हुई है एंड ये विदेश जाण दा चाहवान होण करके किसी प्रकार के ये कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं सीगे, पैसे नहीं सीगे, इस करके इहदा विदेश जाण दा सुपना जिहड़ा उह पूरा नहीं हो पा रहा सी। जिहड़ा गुरमुख सिंह आ जिहड़ा मरण वालियां दा जिहड़ा मेल फैमिली मैंबर आ हसबेंड ते फादर वह ऑटो चलांदा आ ते सवेरे जाके शाम नूं वापस आंदा आ। इस हरजीत सिंह नाम दे कातिल ने पिछले कई दिनों तो उस घर की रेकी करके उन्हां दा टाइम नोट किया होया सी कि वह कदों उहदा फादर जिहड़ा उह जांदा आ ते कदों वापस आंदा। 26 तरीक नूं दुपहर दे वेले इन्हें त्रिपड़ी दे मार्केट एरिए चों जिहड़ा आ उत्थों पैदल गया उस घर च इहदी एंट्री हुंदी आ ते पहलां जदों मृतक जसवीर कौर 50 साल की जिहड़ी लेडीज़ आ ये उन्हूं मासी कहिंदा सी क्योंकि उहदी दराणी का सगा भांजा है उन्हें इन्हूं पुछया कि हाँ कित्थे आए हो, उहदे पुछण सार ही ये चाकू दे नाल उस लेडी ते टुट के पै गया ते उहदा बड़ी बेरहमी नाल मर्डर किया। उस जनानी की अपनी माँ की चीकां सुन के जदों उपर वाले कमरे तो उहदा बेटा हरविंदर सिंह उर्फ जग्गी जिहड़ा शरीरिक रूप नाल थोड़ा कमजोर आ ते नशा जिहड़ा आ ਉਹ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਤਿਲ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਚਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਤਲ ਉਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਇਨ 48 ਆਵਰਸ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ SP City ਸਰਫਰਾਜ਼ ਆਲਮ, SP D ਹਰਬੀਰ ਅਟਵਾਲ, DSP जसविंदर सिंह टिवाणा, DSP सुखमृत रंधावा, इंचार्ज CIA पटियाला इंस्पैक्टर शमिंदर सिंह, SHO त्रिपड़ी प्रदीप बाजवा और SHO अनाज मंडी अमन बराड़, ये सारी टीम ने दिन रात मेहनत करके बड़े टैक्निकली बड़े वैज्ञानिक तरीके नाल इस कतल के मामले की तफ्तीश करके एंड फोरेंसिक जांच करके फोरेंसिक टीमां मौके पर पहुंचियां। मेरी परसनल निगरानी हेठ असी दिन रात एक एक करके जिहड़ा 48 घंटिया के अंदर सनसनी खेज दोहरे कतलकांड नूं जिहड़ा आ असी ट्रेस कर लिया। इहदे नाल ही मैं पटियाले च
ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣ ਟੰਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਲਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੀ ਘਿਨੌਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਤੌਲੀਏ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾੜੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਾੜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਾੜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਲੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲਏ, ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਪਿਓ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਸਰ